Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms. हुकुमरान जमात भारतीय जनता पार्टी में पाया जाने वाला इंतशार उस वक्त मंजर आम पर आया जब सीनियर लीडर नितिन गडकरी ने एनडीए के इजलास में वजीर आजम मोदी की हिमायत को तस्लीम करने और खड़े होने से इनकार किया। मरकज में हुकूमत साजी के लिए एनडीए की इतिहादी जमातों का एक इजलास मुनक्किद किया गया था, जिसमें बीजेपी समेत दीगर जमातों के कायदीन ने नरेंद्र मोदी की बतौर वजीर आजम हिमायत की और उठ खड़े हुए। ताहम सीनियर लीडर नितिन गडकरी ने, जिन्हें आरएसएस की पुश्त पनाही हासिल है, मोदी की हिमायत को तस्लीम करने और खड़े होने से इनकार कर दिया, वो बैठे नजर आए। नितिन गडकरी की इस हरकत के बाद पार्टी के अंदर मुमकिन दरार पैदा होने की खबरें बाहर आ रही हैं और वजीर आजम की जगह नितिन गडकरी को लाने के आरएसएस के मंसूबों से मुतालिक भी खयास आराइयां पैदा हो गई हैं। जनसेना के सरबरा पवन कल्याण ने एनडीए के पार्लियामानी इजलास में मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि जब तक मोदी पीएम है, मुल्क किसी के सामने नहीं झुकेगा। एनडीए की इत्तेहादी जमातों का एक इजलास नई दिल्ली में जुमा को मुनक्किद किया गया। जनसेना के सरबरा पवन कल्याण ने इजलास में वजीर आजम मोदी की तारीफ की है और कहा है कि वो सब दूरंदेश लीडरों के नक्श कदम पर चलने के लिए तैयार हैं। मोदी कश्मीर से कन्याकुमारी तक मकबूल हैं। उनका कहना था कि सब मोदी की क़यादत में काम करने पर फख्र महसूस करते हैं। टीडीपी के सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू ने भी इस इजलास के दौरान पीएम के तारीफों के पुल बांधे और कहा कि मोदी के दौर में मुल्क की मैशियत मजबूत हुई है। उनकी क़यादत में हिंदुस्तान एक आलमी ताकत बनकर उभरा है और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान और एनडीए की सोच से हिंदुस्तान को गुर्बत से पाक मुल्क बनाया जा सकता है। तेलंगाना के नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनाकिद किया। रियासत के स्टैंडिंग बजट के सिलसिले में नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का मल्लू ने फाइनेंस, कॉमर्स और सेहत महकमों के आला अहदेदारों के साथ एक इजलास तलब करते हुए बजट की तैयारियों के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। TGSRDC के MDVC सजनार ने ट्रेनी IAS को महालक्ष्मी स्कीम के निफाज से वाकिफ करवाया। तेलंगाना कैडर के लिए अलॉट किए गए ट्रेनी IAS के लिए एक आगाही प्रोग्राम MCRHRD हैदराबाद ने मुनाकिद हुआ, जिसमें TGSRDC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार ने हिस्सा लेते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अहमियत और महालक्ष्मी स्कीम के निफाज से वाकिफ करवाया। इस दौरान सवाल के जवाब भी दिए गए। CDS सेंटर के सरबरा कोर्स के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर कंदुकोरी ईशारानी, फैकल्टी कोऑर्डिनेटर श्रीनिवास, ट्रेनी IAS मनोज मृणाल, संकेत अभिज्ञान अजय यादव के अलावा दीगर ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ईद उल अजहा और मौसम बरसात के पेश नज़र कुलहीन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने वाटर वर्क्स MD जोनल कमिश्नर और JMC अहदेदारों से मुलाकात की। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने महकमा आबरसानी के MD जोनल कमिश्नर और महकमा बल्दिया के अहदेदारों से मुलाकात की।
हल्के कारवान की ईदगाहों में ईद उल अजहा की नमाज के इंतजाम, एनपीओ पाइपलाइन की तंसीब, शाह हातिम झील के पुराने आउटलेट की साफ सफाई के अलावा दीगर अहम उमूर पर बातचीत की। दरियासना वाटरवर्क्स एमडी से भी मानसून के दौरान सीवरेज ओवरफ्लो के मसाइल को हल करने के लिए हकीम पेट, कारवान, टोली चौकी और गोलकुंडा के लिए 4 इजाफी एयरटेक मशीनें और शाह हातिम पहाड़, डिफेंस कॉलोनी व दीगर में बूस्टर की फराहमी के लिए दरख्वास्त की गई। कुलहीन मल्ली से इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए माजिद हुसैन ने आईटीआई कॉलेजेस में चलाए जा रहे मुख्तलिफ पेशावराना कोर्सेज की तफसीलात बताते हुए नामपल्ली हलके के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से इन कोर्सेज में दाखिला लेने की अपील की है। आईटीआई शांतिनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, कोपा, सिविंग टेक्नोलॉजी व दीगर पेशावराना कोर्सेज में दाखिले जारी हैं। कुलहीन मल्ली से इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए माजिद हुसैन ने एक पैगाम जारी करते हुए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से आईटीआई तेलंगाना की वेबसाइट के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाने की दरख्वास्त की है। उन्होंने कोर्सेज में दाखिले के लिए रहनुमाई के लिए AIMIM के जारी किए गए नंबर 7780641686 पर भी रابطہ करने की अपील की है। कुलहीन मजलिस से इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकन असेंबली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने अकबर बाग डिवीजन में पल्टन रोड और सपोटा बाग इलाकों का दौरा किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस से इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की हिदायत पर मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने जुमा को अकबर बाग डिवीजन के पल्टन रोड, सपोटा बाग और दीगर इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मसायल से वाकफियत हासिल की। दरियासना उन्होंने हैदराबाद किडनी हॉस्पिटल के करीब पल्टन और आसपास के इलाकों में आबी सरबराही को बेहतर बनाने के लिए बूस्टर पंप का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। इस मौके पर अकबरबाग कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन, महकमा बल्दी बरखी और आबरसानी के अहदेदारों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कुलहीन मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असेंबली कौसम मोहियुद्दीन ने शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम अमल में लाई। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान रुकन असेंबली कौसम मोहियुद्दीन ने हकीमपेट के SS फंक्शन हॉल में मुनाकिद चेक्स तकसीम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और शेखपेट मंडल के 143 इस्तफादा कुनंदगान को शादी मुबारक के चेक्स हवाले किए। इस मौके पर पार्टी के कॉरपोरेटर इब्तदाई सुदूर मोतमदीन के अलावा सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। रियासत आंध्र प्रदेश में NTV, TV9 और 10 TV की नशरियात को रोक दिया गया है। आंध्र प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में TDP की जीत और YSR कांग्रेस पार्टी की शिकस्त के बाद केबल ऑपरेटर्स ने मुत्तफिका फैसला लेते हुए TV9, NTV और 10 TV की नशरियात को ये कहकर रोक दिया है कि ये चैनल्स ऐसी खबरें दिखा रहे हैं जो रियासत के मफादात और तरक्की के लिए नुकसानदेह हैं। दूसरी जानिब सरकारी दफातर, सेक्रेटरीट और रजाकारों ने पिछली हुकूमत की जानिब से सबको रोजनामा साक्षी पढ़ने के दिए गए हुक्मनामे को भी रद्द कर दिया है, जिसके बाद अखबार साक्षी का सर्कुलेशन एक ही दिन में 12 लाख तक गिर गया है। रियासत के सरकारी असातिज़ा ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की रिहायशगाह के रूबरू जियो नंबर 317 के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया।
जराय ने बताया कि सरकारी असातिज़ा की बड़ी तादाद जियो नंबर 317 के मामले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मिलने के लिए उनकी रिहाइश गाह पहुंची थी, ताहम उन्हें वजीर आला से मिलने नहीं दिया गया। नाराज असातिज़ा ने एहतजाज दर्ज करवाया। उनका कहना था कि उन्हें चीफ सेक्रेटरी और MLA से मिलकर अर्जी दाखिल करने की इजाज़त भी नहीं दी गई है। वजीर आला रेवंत रेड्डी को जब इस वाक़े का इल्म हुआ तो उन्होंने अहदेदारों के साथ जियो नंबर 317 का जायजा लिया और असातिज़ा के मसाइल हल करने की हिदायत जारी की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरापी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। हकीम गुलाम मोहियुद्दीन ने नीट क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों से आयुष के तहत चलाए जाने वाले HMS यूनानी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल वाकई बेंगलोर में दाखिला लेने की अपील की है। नीट इम्तिहानात के नतायज जारी कर दिए गए हैं। इस साल 24 लाख तलबा ने नीट इम्तिहान लिखा था, जिसमें से 11 लाख ने कामयाबी हासिल की है। याद रहे कि हिंदुस्तान के तमाम मेडिकल कॉलेज में MBBS की 1,08,000 नशिस्तें ही दस्तियाब हैं। हिंदुस्तान में मेडिकल कॉलेजेस की तादाद 549 है, जिनमें से 277 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और 272 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जबकि BDS कॉलेजेस की तादाद 313 है और नशिस्तों की तादाद 26,775 है। आयुष कॉलेजेस की तादाद 407 है और 29,901 नशिस्तें दस्तियाब हैं। होम्योपैथी कॉलेजेस की तादाद 284 है और 19,957 नशिस्तें दस्तियाब हैं। ठीक इसी तरह से 57 यूनानी कॉलेजेस हैं और 3,300 नशिस्तें दस्तियाब हैं। नीट लिखने वाले तलबा में मायूसी पाई जा रही है, क्योंकि खानगी कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा के तहत नशिस्त मिलेगी और उसके लिए बड़ी रकम अदा करनी पड़ेगी। दरमियानी और गरीब तबके के तलबा के लिए मैनेजमेंट कोटा के तहत सीट हासिल करना काफ़ी दुश्वार है। अच्छे रैंक हासिल करने के बावजूद भी वो तालीम हासिल नहीं कर सकते। ऐसे में हकीम गुलाम मोहियुद्दीन ने इतला दी है कि नीट क्वालिफाई करने वाले तलबा आयुष के तहत चलाए जाने वाले HMS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वाकई बेंगलोर में दाखिला लेकर तालीम हासिल कर सकते हैं और डॉक्टर बनने के अपने ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। दाखिले के लिए प्रिंसिपल और एडमिशन कोऑर्डिनेटर से रब्ता किया जा सकता है। रंगारेड्डी जिले के करताल में दोहरे कत्ल की वारदात पेश आई। व्हाट्सएप ग्रुप से फोटोज डिलीट करने पर दो नौजवानों का बहिमाना कत्ल कर दिया गया। जराय ने बताया कि करताल में एक विला में व्हाट्सएप ग्रुप से तस्वीर को डिलीट करने के मामले पर दो नौजवानों को कत्ल कर दिया गया। बताया गया है कि विला को BJP के मुकामी लीडर ने एक रियल स्टेट ऑफिस के लिए किराए पर दिया था। शीशागिरी, शिवागौड़ और कुंडमुनि के BJP लीडर रवि समेत कई लोगों से जाती इख्तलाफात बताए गए हैं। 4 जून को रवि ने अपनी सालगिरह मुकामी BJP लीडरों और दोस्तों के साथ उसी विला में मनाई और तकरीब की तस्वीर मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में पोस्ट की गई थी, जिसे शिवा ने, जो कि ग्रुप एडमिन था, डिलीट कर दिया। पहले से कशीदगी की वजह से झगड़ा मजीद बढ़ गया था। रवि बात करने के बहाने अपने दोस्तों के साथ करताल पहुंचा और शराब नौशी के दौरान डिलीट की गई तस्वीर पर गर्मा गर्म बहस हुई, जिसके बाद दोनों नौजवानों पर चाकू से वार कर उनकी जान ले ली गई।
रियासत आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में गदलोर से चेन्नई जाने वाली APSRTC की बस एक कंटेनर लारी से टकरा गई। हादसे में एक शख्स हलाक जबकि 7 दीगर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की एक लग्जरी बस नेल्लूर में जदलूर से चेन्नई जा रही थी कि नेशनल हाईवे रुद्राकोटा के करीब एक कंटेनर लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में बस में सवार 40 मुसाफरीन में से एक मुसाफिर हलाक हो गया जबकि दीगर मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। AISF ने गैर मजाज इंटर कॉरपोरेट कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए नामपल्ली में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्म किया। वलीउल्ला खादरी रियासती सदर AISF और जनरल सेक्रेटरी कलेरू धर्मेंद्र की ज़ेर क़यादत नामपल्ली में वाक़े बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के रूबरू धरना मुनज़्म करते हुए गैर मजाज कॉरपोरेट कॉलेजेस में बेहिसाब फीसों की वसूली के खिलाफ कार्रवाई करने, गरीब तलबा को मियारी तालीम फराहम करने और खाली आसामियों को फौरी तौर पर पूर्ण करने का मुतालबा किया गया है। एहतजाजियों का कहना था कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इकतदार में आने के बावजूद भी कोई तब्दीली नहीं आई है। इंटर बोर्ड गैर मजाज कॉरपोरेट कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। एहतजाजियों ने रियासत में गैर मुजवजा जूनियर कॉलेज को बर्खास्त करने की मांग की है। सऊदी अरब के मक्का मुकरमा के अजीजिया में लिफ्ट हादसे में 2 हिंदुस्तानी आजमीन जाँ बहक हो गए। ज़राए ने बताया कि अजीजिया में इमारत नंबर 145 में लिफ्ट गिरने का वाकया पेश आया। इस सानहे में बिहार के 2 आजमीन 73 साल मोहम्मद सिद्दीक और 70 साल अब्दुल लतीफ जाँ बहक हो गए। कुछ दीगर हाजियों के जख्मी होने की इतलात भी गर्दिश कर रही थी, ताहम बाकी हुजाज महफूज बताए जा रहे हैं। इमारत से जायरीन को फौरन करीबी इमारत में मुंतकिल कर दिया गया। ये बात भी काबिल जिक्र है कि आजमीन अपनी रिहायशी इमारत में बुनियादी सहूलियात के फुकदान की शिकायतें कर रहे थे और लिफ्ट में फनी खराबी के बाद ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। हज की अदायगी के लिए हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों से 16 परवाजों के जरिए 4,610 आजमीन सऊदी अरब पहुंच गए। हिंदुस्तान से अब तक 407 परवाजों के जरिए 1,20,891 आजमीन सऊदी अरब पहुंच गए हैं। ज़राए ने बताया कि मक्का मुकरमा में 1,19,827 और मदीना मुनवरा में 1,064 आजमीन मौजूद हैं। मुशायरा मुकदसा में हज की तैयारियाँ जोर शोर से जारी हैं। आजमीन की अक्सरियत मक्का मुकर्रमा में मौजूद है। आपको बता दें कि वजारत हज व उमरा की जानिब से इस साल आजमीन को नुसुख कार्ड दिए जा रहे हैं। आजमीन के लिए अपने कार्ड्स की हिफाजत करना और बगैर कार्ड के बाहर ना निकलना लाजमी करार दिया गया है ताकि उन्हें दुश्वारियां पेश न आए। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनवरा में अब तक 19 आजमीन ने दाई अजल को लपैक कहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मरहूमीन की मगफिरत करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। मक्का मुकर्रमा का दर्ज हरारत 31 डिग्री सेल्सियस तथा 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हिंदुस्तानी नजात खलाबाज सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने पर खुशी से झूम उठी और रक्स करती देखी गई। सुनीता विलियम्स बोर्च विलमोर के हमरा नासा के बोइंग स्टार लाइनर पर सवार होकर बैन अलावामी खलाई स्टेशन पहुंची। ये बोइंग 5 जून को केप कैंडरवाल से लॉन्च किया गया था। जैसे ही बोइंग ISS में दाखिल हुआ सुनीता विलियम्स अपने साथियों को देखकर झूम उठी और उन्हें गले लगाकर रक्स करती देखी गई। ये मिशन जिसे मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना था, विलियम्स विलमोर व दीगर पर मुश्तमिल टीम के साथ 71 रुकनी अमले में शामिल हो गया है और कामयाबी से इख्तिताम को पहुंचा है।
Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms.